हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं सौरभ पांडे आपका डेली के करंट अफेयर MCQs में स्वागत करता हूं, और डेली की जो हम सीरीज चलाते हैं उसी क्रम में आज का ये वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इसमें से निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है वो लोम्बक के बारे में सच है। ठीक है, लोम्बक एक जगह का नाम है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इंडोनेशियाई समूह है, जो द्वीप समूह है, वो बाली के पूर्व में स्थित है और ये इंडोनेशियाई द्वीप समूह का हिस्सा है। देखिए, इंडोनेशिया कहीं इधर कहीं आता है, ठीक है, इसको मैप में आप देखिए। और क्यों ज़रूरी है इंडोनेशिया? क्योंकि देखिए, रिंग ऑफ फायर को जो ये आधारित है, और दूसरी चीज़, इंडोनेशिया इंडियन ओशियन में पड़ता है, ठीक है, एज इकोनॉमी में आसियान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलके बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट करते हैं इंडोनेशिया को, और अभी रिसेंटली इंडोनेशिया की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा उछाल भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड दोस्तों, कि इंडोनेशियाई द्वीप समूह का ये हिस्सा है और बाली के पूर्व में ये स्थित है। बाली के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों कि जो इंडोनेशिया का कैपिटल है वो ना डूब रहा है एक तरीके से, पानी का जो ये कह सकते हैं लेवल है वो ऊपर हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा गूगल करके पढ़िए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है। तो पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है कि इंडोनेशियाई भूकंप से ग्रस्त है क्योंकि वो आग की अंगूठी, रिंग ऑफ फायर पे आधारित है। ठीक है, तो ये बात सत्य है दोस्तों कि रिंग ऑफ फायर एक ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशियन में जो ऐसे बनता है। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि वो कई सारी बेल्ट जो हैं वहाँ पर आके सबमर्ज होती हैं। एक मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह होती हैं, जैसे एक के नीचे एक बेल्ट हुई, फिर उधर से आई एक बेल्ट, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है दोस्तों, तो रिंग ऑफ फायर आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसका सही स्टेटमेंट है सी, जो कि दोनों हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि 6.4 मैग्नीट्यूड से, जो है रिक्टर स्केल से, एक रिसेंटली स्ट्रक किया था आइलैंड को, जो कि माउंट रिंजानी में है, ये वोल्केनो है, यहाँ पे हिट हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रेडेड सर्विलांस मेजर। ग्रेडेड सर्विलांस मेजर जो है दोस्तों, वो डिज़ाइन किया गया है सेबी के द्वारा, और ये इंश्योर करने के लिए किया गया है कि जो अबनॉर्मल प्राइस राइज हो जाता है कभी कभी शेयर में, वो ना हो। क्यों? क्योंकि अबनॉर्मल प्राइस राइज होता है या गिरता है तो उसमें फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो हिल जाते हैं, और उससे स्टॉक मार्केट को नुकसान भी होता है, और ऐसा भी है कभी कभी फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नुकसान होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेज रहते हैं। ठीक है, और इसका मेन पर्पज़ क्या था? जो इसका मेन पर्पज़ यही है कि अलर्ट करना और प्रोटेक्ट करना जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है। ठीक है, अब जैसे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होता है उसको जल्दी पैसा कमाने के लिए ये करते हैं कि वो जल्द से जल्द छोटे छोटे इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें लगता है ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा नहीं अच्छा होता है इसके लिए, अपनी इकोनॉमिक हेल्थ के लिए कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी दोस्तों, कि मोर देन 900 कंपनी को मॉनिटर किया जा रहा है इसके अंदर, और एक बार कोई फर्म को पुट कर दिया जा रहा है सर लॉन्च में, तो वो 6 स्टेजेस से जाएगी। पहले क्या होगा कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में उसको रखा जाएगा, जिसमें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं अलाउ की जाती, और डिलीवरी ऑफ शेयर और पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट मैंडेटरी है। ठीक है, और 5% मूवमेंट हो सकता है शेयर प्राइजेस में। तो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स से थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो कभी भी डायरेक्ट नहीं होते, हमेशा करंट से रिलेटेड होते हैं। दो टॉपिक UPSC में ऐसे हैं जिसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके जो करंट में चल रहा होता है, एक होता है एनवायरमेंट, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स, और तीसरा एक और है जो साइंस एंड टेक है। तो इसमें आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे शेयर मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा जो है दोस्तों वो यही है कि आपको करंट से रिलेट करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DGTR एक नया ऑफिस बना है, वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर है। वो आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स DGTR टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको पहली जो लिंक आएगी वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ही आएगी। ठीक है, अब ये क्यों आया है? क्योंकि एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग, सेफगार्ड ड्यूटीज, इन सबको कंसिडर करने के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जो रेवेन्यू है इसका, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें दोस्तों जो हमें नोट करनी है, ये जो DGTR बना है, ये दो तीन जो ये कह सकते हैं एजेंसीज थी उनको मिला के बनाए, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स और सेफगार्ड्स QR, इन सबको बना के एक ड्यूटी बना दिया गया, वन सिंगल एंटिटी, और इसलिए क्योंकि इंटीग्रेटेड सिंगल नेशनल अथॉरिटी हो गई है। देखिए, ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि आपकी जो मशीनरी है
ऐसा ना हो कि बिजनेसमैन को तीन चार दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो ईज ऑफ बिजनेस में एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रैंकिंग्स, कि आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन की इसमें से आर्टिकल 31 में से कौन सा रिलेटेड है 9th शेड्यूल से। अब देखिए 9th शेड्यूल में बता दूँ दोस्तों, 1951 में क्या हुआ था, पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया था। 9th शेड्यूल ऐड क्यों किया गया था दोस्तों, क्योंकि लैंड एक्विजिशन, जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट, ये सारे एक्ट्स ला रहे थे, तो स्टेट्स भी ला रहे थे। तो अब ये हो रहा था कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होगा तो आर्टिकल 13 में राइट है कि आप उसको जा सकते हैं और उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। तो इस चक्कर में 9th शेड्यूल लाया गया, जिसको बोला गया 31B में, कि अगर ये माना जाता है कि कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस या कुछ भी ऐसा जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जाके आप कोर्ट में फाइल करें। क्यों? क्योंकि उसका कोई पर्पज़ नहीं होगा, उसको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकती कोई भी कोर्ट किसी भी केस लॉ द्वारा। लेकिन इसमें चेंज आया है दोस्तों, और प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा चेंज आया है इसमें। कुछ एक बहुत अच्छा चेंज आया है और बहुत ही अपडेटेड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 9th शेड्यूल से इस बार भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। 931B मैंने आपको ये बता दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियंस वेर अलाउड टू बी पार्ट ऑफ बोथ वाइसराय एंड गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1892। देखिए दोस्तों, ये 1892 नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, ये 1909 है, ठीक है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एकदम सत्य बात है दोस्तों कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे। इनको लॉ का मेंबर बनाया गया था, ठीक है दोस्तों, लॉ का मेंबर बनाया गया था। पहले 1909 में एक इंसान को रखा गया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद 1919 में तीन लोग हो गए थे, ठीक है। तो 1909 के अधिनियम में वाइसराय गवर्नर को कार्यकारी परिषद के साथ भारतीयों के सहयोग के लिए पहली बार प्रदान किया गया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ऐड किया गया था पहले व्यक्ति की तरह, और जो कि कानून सदस्य नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिख और एंग्लो इंडियन दोनों के लिए अलग मतदाताओं द्वारा प्रदान किया गया था, जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके लिए काफ़ी लड़ाई हुई है, और आज भी देखिए रिजर्वेशन के लिए मराठा लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो ये सारा रिजर्वेशन का जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1919 के एक्ट में, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में मुस्लिम्स के द्वारा, वो क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला आगे जाके सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को। और आपके लिए इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है दोस्तों कि मुझे ये बताइए कि कौन से आर्टिकल में एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन देने की बात की गई है कि दो सीट्स उनके नाम की रिजर्व होंगी। मैं आपको ऑप्शन तो नहीं दे रहा, मैं आपको क्ल्यू दे रहा हूँ कि वो आर्टिकल 330 से लेकर 335 के बीच में है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा गूगल करिए और देख के मुझे बताइए कि क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आरबीआई के बारे में, आरबीआई 1935 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। 1935 में एक एक्ट और आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और एक और कंट्री आज़ाद हुई थी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सी कंट्री थी जो आज़ाद हुई थी। और अगला ऑप्शन है आपके पास कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो थे वो सेटअप हुए थे। तो ये तो जो है, ये क्या बोलते हैं, इसका आंसर तो दोनों सही है। और आपके लिए एक और सवाल है दोस्तों कि 1935 में जो प्रोविंशियल सर्विसेज कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी, अभी UPSC का आर्टिकल कौन सा है, कौन से आर्टिकल में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि वो आर्टिकल 310 से लेकर 315 के बीच में है। तो दोस्तों आज के लिए तक काफ़ी था, कल फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई चीज़ें जानेंगे। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।